उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था, बस क्या कर दिया है यहाँ पर, नंबर चेंज कर दिया है कुछ दूसरे साल में, अभी मुझे ईयर याद नहीं है। तो देखो यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है, बट क्वेश्चन सेम वैसे ही है ना, तो होप आपको भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये मैंने पिछली क्लास में इसको कैसे सॉल्व करना है बताया था, सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 + 2√6, ठीक है, 5 + 2√6 का निकालना है। सेम वही ट्रिक यहाँ लगानी है, ये जो 6 है इसको ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और ऐड करने पे 5, गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पे 5, तो वो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 3 + 2 = 5, राइट। तो हमारा, मैंने कहा था जो बड़ा नंबर होगा उसको आगे लिखना, वैसे प्लस में कोई मैटर नहीं होता है, माइनस के लिए ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है, तो हमेशा बड़ा नंबर आगे ही लिखो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, वर्ग निकाल, वर्ग लगाना है तो यहाँ पर वर्ग लगा देंगे, बस हो गया इसका आंसर, यही है, वर्गमूल मिल गया हमें, √3 + √2 है। अब क्या करना है, बस आगे चल के हमें इसका मान रखना है ना। क्वेश्चन एक बार और लिख दूं ताकि आपको याद रहे, 5 + 2√6 है, प्लस था या माइनस था, ऊपर माइनस था, यस यस, तो इसको हम लिख लेंगे -1/5। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत टाइम बहुत कम लगता है, ऐसा नहीं है कि अभी तो हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि अरे मैम बहुत टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, जब आप कर लोगे तो इजी लगेगा। 3 + √2, ईश्वर, ये हो जाएगा 3 + √2 - 1/5, और मैं डायरेक्ट लिख दूं √3 + √2, क्या डायरेक्ट लिख दूं, मतलब रैशनलाइजेशन बिना किए लिख दूं, आपको समझ में आ गया रैशनलाइजेशन कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा √3, इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद √3 - √2। परिमेयीकरण कैसे करना है आपको समझ में आ गया है, बस यही नंबर लेना है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 + √2 - √3, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √3 √3 कैंसिल कर सकते हैं, है ना, माइनस हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2 √2, दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 = √2, ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बात समझ में, इजी लगा आपको, यहाँ पर भी आपको यहाँ इसका परिमेयीकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है, वो आप खुद से करोगे और करके बताओगे मुझे।